बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल क्लास 9 इंग्लिश का पार्ट 13 अब हम करने जा रहे हैं। पार्ट 13 पीएसटी भी साथ चल रही है, इसके साथ साथ इस्लामियत को भी लेंगे और सिंधी को भी लेंगे, उर्दू को भी लेंगे, और साइंस ग्रुप वाले परेशान नहीं हो, साइंस जो है उसको भी लेते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का मैंने बोला उसको भी लेके चलेंगे। ये ज़रा ये ठीक ठाक वीडियो आ जाएँ भाई, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, कोई इधर उधर की बात नहीं, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक उठाएं अपनी, इन्हीं में से सवाल बनते हैं भाई। क्लास 9th सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसी ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2, इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, और भी ज़रा देख लें आप। कंडीशनल सेंटेंसेस ये टाइप 2 वाले हैं, टाइप 2 वाले हैं, ठीक है भाई। देख लीजिए पहला सेंटेंस, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर, इफ आई बिकेम अ डॉक्टर। अगला पार्ट खुद मुकम्मल कीजिए, आपके ऊपर छोड़ा है, सब अपनी मर्ज़ी का ही अगला पार्ट खुद बनाएंगे, ठीक है। मैं भी बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में जवाब मौजूद है, नीचे देखें वीडियो के नीचे मोर लिखा हुआ है, MORE, वहाँ पर जवाब मौजूद है। दूसरा जो सेंटेंस है, सीमा वुड बी सैड, सीमा वुड बी सैड, आगे क्या आएगा सोचिए अपनी तरफ से और लिखिए इसका जवाब, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। मेरे जो समझ में आएगा मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सी में है, इफ आई हैव इनफ मनी, इफ आई हैव इनफ मनी, सोचिए आगे क्या आएगा भाई। If I have enough money, चौथा और आखिरी है, they have जावेद could become a cricketer, जावेद could become a cricketer, आगे सोचिए अब इसके बाद क्या आएगा। अच्छा वैसे अगर आप, ये पार्ट 13 चल रहा है, पार्ट 2 पे मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो बनाई थी, एसएसटी की जो प्लेलिस्ट है ना उसी के अंदर वो मौजूद है, अगर वो आप देख लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर आप इसको करें, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने एक दो एग्जाम्पल्स करके भी समझाया है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा भाई। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।